ये ढोल तभीरा कोई तर तर क्या बात है ढोल का फिर कोई तर तर फिरे टुकटे हैं और ये लग रहा आगे किसी के मोतियों का ये चल रहे खुले गधे बहुत से चल गए भाई एक रह गया पूरी पब्लिक बिठा दी तीन गुना थी मैं देख रहा था ये चल रहे खुले गधे शंभो शरात्रि घोर है अंधेर है क्या करोगे नहीं ये सोचते हैं कि सड़ा नहीं चलता थाना नहीं शास्त्री जी मैं जानता हूँ अच्छा मतलब मैं मर जाऊंगा ये मेरे सूचन तिल्लो ये है मेरे सूचन कैसे आप याद रहोगे पता नहीं यहाँ से जाते ही मर जाओ ठीक नहीं 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 अरे बात तो इच्छा बिल्कुल ठीक धन्य हो भाई इसी बीमारी ने पर राखी हो मैं समझता हूँ बहुत समझता हूँ अब चश्मा और लगा लिया क्या बताया श्री राम लाल हनुमान जी पंडित गंगा दत्त गणेश गुरु नंद लाल को सुमरी कोई राफ है नहीं जटो आदरणीय हमारे जिनको आपने सम्मानित किया है कौशिक जी कौशिकी ऋषि से जिनको कौशिक हुआ है और मंच पर बैठे हुए शास्त्री जी हमारे आशु कवि देसी बाबा जी परमानंद जी ये बड़े अच्छे आपको अभी सुना के गए हैं अच्छी कविता है अच्छी जिनकी कहन सुनन है और आपको बहुत कुछ हमारे कौशिक जी ने सुनाया और हमारे मैं इनको कुछ कहता लेकिन ये भावुक हो गए हमारे आचार्य कहें या साथी इन्होंने ब्राह्मणों के बारे में कहा इन्होंने विप्रों के बारे में कहा और इन्होंने द्विजों के बारे में कहा द्विज जिनकी दूसरी हो जाती है एक के बाद दूसरी दूसरी जैसे हमारी अवस्था हो गई हम ब्राह्मण थे कब थे पहले नहीं थे और ब्राह्मण कौन हर एक ब्राह्मण है क्या है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का लेख है वेद पाठी भवि प्राप्त जिनके पर लग जाती है वेद पाठी भवि प्राप्त संस्कार जिनका संस्कार यज्ञों को संस्कार का द्विज कहलाते हैं जन्मे तो सर्वे सूत्र जन्म से सब सूत्र होते हैं ब्रह्म जाने की ब्राह्मण है जलते क्या महाराज ये बहुत बहुत अच्छे क्या हाँ एक एक और सुनो देखो अभी तो कई निकट कहूंगा ये तो सिरा छुपड़ा था ना उधर इनके रात्रि की कमी को नहीं क्या बताए और मैं मेरी बता देता हूं हमारे श्री आशु कवि परमानंद जी ने
दस कितने बताए, दस दिशा बताई और दस दस प्राण बताए और दस इंद्रियां, इसके अलावा दस और क्या है, दस रथ, दस महाविद्याय और दस द्वार भी है। पर एन कौन फुड़वा रहे जी, दस लक्षण दा धर्म के पंडित हर एक ने लगाया है, लेकिन कौन हमारे दस लक्षण दार धर्म के बहुत महान सांगी चंद्रलाल जी ने लगाया, और दस नामी भी हैं जिनका दस नामी अखाड़ा है, जिनमें हमारे दयानंद सरस्वती भी है जी, और एक दस नंबरी, ये आप मैं इसको दस नंबर कौन बन बोचाओ तो बताओ, और मेरो नंबर है कौन कि मैं बता देता हूं, ए खुदा तेरी कुदरत को फना कौन करेगा, ए खुदा तेरी कुदरत को फना कौन करेगा, यदि सभी नेक हो जाएंगे तो पुनः कौन करेगा, इसलिए मैं पुनः करता हूं उत्तम मेरु इम्पाइड में ये गायन बारे में कहते हैं। अरे आनंद, तो आप मैंने पहले कह दिया था कि मुझको बीच बीच में नंबर देते हैं, और नई बात है ये हमारे आशु कवि, ये हमारे आचार्य जी हमारी तरफ तो हमेशा जाते रहते, साल में 30 पर भी चले जाए 40 में, लेकिन पता नहीं भूल से मेरे को कैसे नंबर दे दिया, यहाँ किसने मुझे यहाँ बुला लिया, अचंभा की बात है, हम नारनौल से इधर कभी आएंगे, लेकिन पता नहीं ये दिव्य विभूति हमारे महेश जी ने कहा यार तुम आओ, उसके बाद गुलरा पेट्रोल मचा रहे थे ना पेट्रोल मचा रहे थे, एक बार आप आओ तो मैं बता देता हूँ, मेरे लिए ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, वैसे मैं इसलिए बता देता हूँ, कोई कहते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये क्यों नहीं किया, ये मैं क्यों नहीं किया, उसको नंबर दे दिया उसको नंबर दे दिया, ये नहीं कहना चाहिए था, तो गंवार रास्ता में अड़ गया, कोई हटे हटे तो नहीं हटे, तो गंवार रास्ता में अड़ जा, हटे हटे तो नहीं हटे, और किसने कहो भाई दाम रखो वो रटे रटे तो नहीं रहते, साड़ो बहे करे बोरगत पैसों पटे पटे तो नहीं पटे, मूर्ख मूर्ख खेती करे साथ लटे लटे तो नहीं लटे, और लव मैरिज की शादी कर ले बहु डटे डटे तो नहीं पटे। नहीं नहीं बैठे रहो, ए देसी बैठे रहो, क्या बताया, यदि आनंद आया तो ठीक है, यदि नहीं आ रहा हो तो मैं बैठ जाऊं, पैसा वाले पैसा वाले मने यो ट्रैक्टर समझ रहे थे काम क्या बताया, दे रो नहीं भाई और अस्थाले को मुझे वैसे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, क्यों सही सही
पहले क्यों लूट क्यों लियो और ले जा हाँ मेरे बड़े भाई साहब गणेश जी बहुत पहले वो पंडित जी थे मैं इनके काम कोटा में गया है जी। वैसे मेरे बड़े भाई साहब बताते थे कि पंडित हमारे गणपत राम जी इनकी हमारी बातें हुआ करती थी, मैं उनको लाने वाला था, बोले मैं नहीं चलूंगा, अब हमारी को सुनने वाला है, वो 90 साल के हो गए, वो बात को बात का मानते थे पंडित जी गणपत राम जी। चाकोद में, महेंद्रगिरी के मेले में, पाली में, कई जगह उनके साथ उनका वार्तालाप कविता के अंदर भी, लेकिन पंडित जी बात को बात मानते थे, इसलिए बोले मुझे दुख है कि पंडित जी चले गए। इतनी कविता, इतना साहित्य, इतने प्रमाण, इतनी कथाएं पंडित जी ने जितनी रची है किसी दूसरे कवि ने नहीं रची, ये सत्यता है, कोई माने या ना माने। समझदार वही है, मैं मेरी बता देता हूं, समझदार वही है जो समझे तू आती और एंजने, समझदार वही है जो समझे तू आती और एंजने, ये गायक, ये वादक, ये लेक्चरर, ये लेक्चरर बदल देते माइंड ने, अब मैं बूढ़ा हो गया नहीं पाड़ सकता जवानों की पेंड में, साइकिल भी चलाना भूल गया क्या चलाऊंगा न्यू लैंड में, तुमने यारे प्यारे सारे पकारे आरे बुला रखे अपने अपने फ्रेंड ने, ये इंग्लिश की कविता कर रहे थे तो मेरे को ध्यान आ गया, बुला रखे अपने अपने फ्रेंड ने, जिसने देसी घी खा रखा यो बैठे, जिसने देसी घी खा रखा क्या समझे डाल डाल फ्रेंड ने, भूल जाऊं तो बता देना आकोदा स्टैंड ने, और तुमको डबल फायदा है, यहाँ पर खुद हंसेंगी घर पर हंसाएंगी हस्बैंड ने, मैं कोई रेडियो तो हूं नहीं जो तुम बदल दोगे, मैं कोई रेडियो नहीं हूं जो तुम बदल दोगे बैंड ने, कुछ स्वाद आवे तो दे दियो नहीं तो कंधा कर लियो हैंड ने, स्वाद आवे तो आपसे है ही बात, कुछ स्वाद आवे तो दे दियो नहीं तो कंधा कर लियो हैंड ने, बहुत से इधर पीछे बैठे हो वो कहते हैं किसी और से गवाओ बैठा दो गुटर या डेंड ने, सुरेंद्र जी कौशिक जी लाख लाख देते हैं या 200 से मेरा करते हैं सत्कार, बहुत जोर की बात है वाजी वादातार, एक एक दिन में मारे कई कई हजार, 200 रुपया दे के मिलो है मान लो तार, ये कहते छंद सुनने में मोटा नहीं पाता है, वैसे बुरा मानो तो लग लो जाए, चलो ठीक है। अच्छा हमारे मुझे कुछ बताते हैं, लेकिन पहले एक बीच में छोड़ो क्या इन कवि का, मैं जिसलिए आया हूं इन कवि का क्यों जन्म हुआ, जीवन में शुभ कर्म धर्म करने को कल्याण हुए, जीवन में शुभ कर्म धर्म करने को कल्याण हुए, आई समझ में,
कैसे हमारे देशों का किमी कमा के खा लोगा कविता याद कर लोगा तो करने को कल्याण हुए गुरु बख्तावर के शिष्यों में श्री गणपत नाम Oh,
ही काम ऊंचा कर हो बहुत दूर दूर तक जाकर कहां गए हो क्या ठीक है कोई नहीं जाने कोई ना समझे पानी पी वाली कटी होगी कही है कटकी कही क्या क्या कही काम ऊंचा कर हो रश्मि चूते यदि स्वाद नहीं आवे तो सवेरे दूना ले जाना आनंद नहीं आए कांटीन वाले से कह दो जब तक मैं गाऊं ये कांटीन वाला नु मैं नाम तो भी क्या बता दिया आप क्या कहते हो ये मुझे छेड़ते हैं क्या कहते हैं इनकी तरफ नेगोद गांव लगता है हमारा 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर लगता है ये कहता है शास्त्री जी कि आप मेरे मामा के गांव के पास के हुलसले मामा लगे आपने सुना है ज्यादातर रिश्ते एक अक्षर पर हैं ज्यादातर रिश्ते एक अक्षर पर जैसे मामा मामी नाना नानी दादा दादी चाचा चाची काका काकी और एक है उसमें पांच है जीजा जी 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 क्या इनका कभी अर्थ जानते हो नहीं जानते जीजा जी आओ जब जा आधी रात में चल जाए मैं लेके जाऊंगा अभी ले जाओ और भेजनी पड़े मानिए अब तक नहीं माना था और जी जी का अर्थ क्या है मतलब बाप को भी जी काट दे अगला को जी काट दे दोनों को जी काटते साथ तोड़ने पड़े दोनों का जी काट दे वह जी जी तो ध्यान रखना जी कटवाओ चाहो तो किन्नी कह दी बहुत अच्छी करते थे अपना में ध्यान नित करते थे इसना में ध्यान तो रखते थे हाँ रखते थे ये राम किया अरे करते थे इसना में ध्यान बोलिए रखते थे राम किया पाठशाला में कई जगह चंदा करवाया पढ़ने के लिए बहुत से स्कूल खुलवाए बहुत सी ग्रंथालय खुलवाई
जो आया उसको दान दिया, धर्मशाला और पाठशाला में आया जिसको दान दिया, धर्मशाला और पाठशाला में आया जिसको दान दिया। भाई साहब बताते थे, रखते थे मुलामिया, और महा समुद्र की रचना करती, पीते थे वो जाम है, महासमुद्र की रचना करती, पीते थे वो जाम। समुद्र रचना में देखो सदा ही जाम पिया, महासमुद्र रचना में देखो ही सदा जाम पिया, और पटावर ऊंचा नाम किया, पटावर क्या ऊंचा नाम किया, गुरु का ऊंचा नाम किया, गुरु का ऊंचा नाम किया, यूं चन चन में पहचान हुए, पहचान हुए, पहचान हुए, दिलाते यार बाबा। देखो जी, हम ब्राह्मण हैं और पहले बहुत पुरानी बात है, मुझे ये कहते हैं कि भाई वो जरूर सुनाओ। जहां पहले क्या होता था, सबसे पहले पंडिता जिमाओ, ब्राह्मण जिमाओ, तब कहीं कोठार खोलते थे, क्यों जी कोठार खोलते थे, और क्या बनाते थे, चावल छापर छांद कच्चे मकान ऐसे होते थे, और उसमें चावल डालते, ऊपर तले ऊपर तले ऊपर तले पावा, और छांद में क्या हो, कंछड़ा बिछिया छिपकली मकोड़ा कई प्रकार के जीव, उनकी भाप लग लग के अरबों में पड़ जाता, और फिर लोग दबाव में जीव बामण जी माऊ क्यों जमाते, कि जब बामण मर गया तो आपका कौन खाऊंगा। और जब बामण जी का तो अपन भी खा लेंगे, इसलिए चोट को मार लो। ये इनको ब्राह्मणों को क्या बना रखा था, टेस्ट होल्डर, इनका टेस्ट होल्डर बना रखा था इन लोगों ने, और ब्राह्मणों के नायों के गांव नहीं मिलेंगे, तेवर जैसे ठाकुरों के 20-20 हजार करके, कूदरों के 20-20 हजार करके, चाटों के 20-20 हजार करके, हीरों के 20-20 हजार करके मिल जाएंगे एक तरफा, और नाई ब्राह्मणों के कोई कोई घर ये पता चीन में कोने मंगा जब बचगा। जो समझ गए वो नहीं जीना, और वरना तो इनको मारा जाता था, क्यों, ये पतलो खोल के बैठ गया तेरे राहु केतु मीन मेकर, ओहो ये तो तेरे गाड़ी जाएगी नहीं आओगे ट्रक, मेरी बात में कोई ना फर्क, तेरे घर के आगे फर्क, अरे किमी दक्षिणा नहीं थी तो तूने मेरे को नरक। इसलिए ब्राह्मणों से डरते थे, तो अन्न को रोक करके भगा दे, अन्न चिमाया करता, आओ गुरु जी जी मामला क्या रहा, अन्न की खेती बालेगा, इनकी खेती सारी और गए, ब्राह्मणों का कोई जागीरदारी नहीं, कोई कोई बच गया, ये बच गए हमारे जैसे अन्न कैसे। और जो कुछ बच गए उनको, जो कुछ बच गए उनको क्या किया, सावन बादों के अंदर जन्माष्टमी को साव का लो, और कहा महाराज जो लगन जम जाए
हर गांव के पास नदी नाले होते हैं, तोनू बढ़ गया तोनू। ब्राह्मणा ने छोटा नहीं, इसलिए बहुत अच्छे। और ये गाने के बारे में बोलते हैं, कुछ कुछ उनको आती थी। पंडित जी का कहते थे नंदा जी, गायन विद्या के भेद सुनो प्रमाण सही कहते हैं। गाना बजाना नाचना ये कहतीन देखो, नाद नाम भी इसी का करके यकीन देखो। नाद के भी तीन भेद कहते हैं प्रवीण देखो, तुम तनन देखो, मुख स्वरताल तुम तनन देखो, देखो देखो, स्वर नाम स्वर का अवतार नाम माया देखो, ताल नाम लय का स्वर आवाज से गाया देखो, तीन सात सोलह और इक्कीस स्वर लाया देखो, जो साम गंधर्व वेद सुनो गुणवान कही कहते हैं। गायन विद्या के भेद सुनो प्रमाण सही कहे, तीन स्वर ये हैं हमारे ब्राह्मण लोग। ओम गणनंत्वा गणपति बंग हवा महे प्रियनंत्वा प्रियपति। ये भी करते हैं, ये भी दोनों काम कर लेते हैं। तीन स्वर ये हैं, स्वरित उदार अनुदार देखो, सारे गे में पैधनी का ये है स्वर सात देखो, ए ई उ री ली ए ओ ए ये सोलह विख्यात देखो, सप्तक आरोही अवरोही श्रुति काम देखो, मूर्छना तलाप तान जोड़ लय का काम देखो, आवर्तन कला सड़क मध्यम निबड़ा काम देखो, वादी विवादी संवादी अनुवादी तमाम देखो, नारद देव शिक्षण स्वरूप का विस्तार सुनो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कार्य के कर विचार देखो, वैसे ही कर जाओ। वाह वाह साहब धन्यवाद, कई कई करोड़ों की ग्रांट खा जाते हो, सौ रुपए में कोई बात नहीं, कम की में काम करा लेंगे, लाइन पड़ी से फेर दे देंगे, कोई बात ना फेर देगी। आदि यदि टाइम हो गया हो तो मैं ये कहने पीछे थे, एक कहिया के नहीं अभी नहीं नहीं मैं इतनों नक्तों को नेता रही तू बैठ जाऊंगा, वैसे तू नक्तों तो पर इतनों को चलो तीसरी कह के भुगतना लगा लेता हूँ भाई, जिनके पास मेरे को देने के लिए आए वो देते जाओ। हरदार हो सुनिए साहब, भारतीय इतिहास का कीजिए अनुसंधान, क्या बताया, पड़ा पड़ा रह क्या कर रहा रे मूर्ख नादान, दर्पण रख के सामने निस्वरूप पहचान, निस्वरूप पहचान नुमाइश मेले वाले, झुक झुक करे सलाम घूम से खेले वाले, कहे काका मेवा मिस्त्री और इमरती, यदि चलना चाहे मुफ्त पुलिस में हो जा भर्ती, यदि चलना चाहे मुफ्त पुलिस में हो जा भर्ती। ये भी अथलीट है, उन्हें ज्यादा भी ले सकते, मछली आठ में आ जाए पांच सौ छूट जाए। लो जी ये सौ रुपए हमारे बद्री प्रसाद जी और सौ रुपए हमारे क्या बताया
ये जगदीश जी, ये बैठे बैठे इन्होंने जा रहे हैं, मैं क्या चाहूँ फिर कभी मिलना हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने बता दिया ना कि याद रहूंगा, इसलिए वैसे मैं एक्सपायरी डेट कहूँ 72 साल का हो गया तो कभी भी फिटिंग हो सकती है। वैसे गुड मॉर्निंग अंग्रेज को शाकिन जो इंग्लिस्तान के, गुड मॉर्निंग अंग्रेज को शाकिन जो इंग्लिस्तान के, तस्लीम आदा बर्ज लीजे बसर दीन कुरान के, हर नाम लेना सकल जन हिंदू जो हिंदुस्तान के, लीजे नमस्ते आर्य जय जैनेन्द्र जैन जान के। भाई चार प्रकार से मैंने नमस्कार कर लिया आपको, जोर से बढ़िया लगे वो रख लेना, क्यों गुरु कहूं या शुक्र तने या कहूं बुद्ध अवतार तने, कहूं बुद्ध अवतार तने, इतनी नथी रचना दिसे चला दिया रोजगार तने, इतनी नथी रचना हो ले चला दिया रोजगार तने, कोई नहीं पे माप सपे भटिया देख भंडार तने, भटिया देख भंडार तने, और जय हो वाही वाही तेरा से संसार तने, सीताराम प्रचार तीसरी में लगा दिया क्योंकि मेरे को ने, वैसे मेरे को नोट दो आदमी नहीं देते हैं, देते हैं पर दो आदमी मेरे को नहीं देते, कौन कौन नहीं देते पूछना चाहो तो बताऊं, फिर कार में कार लिया होगी, दो आदमी नहीं देते तुम, एक तो सतमां शो जोड़ो और एक बीरबन को पिटोड़ो, दो आदमी नहीं देते। राम सुनावे सारत में बंद मेरा ध्यान हुए बंद ले या ध्यान हुए गुरु पक्षतावे के शिष्यों में श्री गणपत राम महान श्री गणपत राम महाराज की जय।